Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you guys are doing all great wherever you guys are. So, aaj ki jo video hai is going to be on Imran Khan once again, and this is being requested on my channel, and the name of the video is Rewind of Regime Change. It will make you cry, goosebumps. Featuring Imran Khan. So let's see, let's get into the reaction. इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने वो रास्ता जारी कर दिया है। जमीनी तरीके से इमरान खान को खैर भेज दिया गया। दिल्ली के अदम एतमाद के मुतहद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुस्तफी हो गए। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग वाला भी कोई नहीं है। अगर तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में नठाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं सकते की हालत में। इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर ड्रोन हमले होते थे। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगा। Absolutely not. मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान वजीर आजम बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान की एयर फोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। फोर्स हमें दे या ना दे, मैं सारे पाकिस्तानियों से बात करूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। हमने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर दें। वक्त साबित करेगा। बहुत खुशी है आपके अल्फाज, आपके मुबारक हूँ। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रस्ते पर आज शुरू। आई एग्री विद इनको नहीं पता चलता। कभी किसी के सामने झुका हूं सवाया अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। आदमी है, खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी, कहता है ड्रोन को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। किस किस्म की धमकियां देता है, क्या आदमी है, अजीब आदमी। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है, उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है, उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है, वहां तो पर्ची चलती है। बैकी बैकी बातें करता है, कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चींटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो। ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। ये कहता है, गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है, निकालो इसको, ये सबको खराब कर दो। सर पे मेरे बस है
God. It really did bring the tears in my eyes. Especially जो आखिर में I think वो जर्नलिस्ट हैं इमरान खान, वो भी इमरान रियाज खान शायद जर्नलिस्ट हैं, जो उन्होंने जो भी कुछ इमरान खान के बारे में बोला है, वो एक एक जो सेंटेंस बोल रहे थे उससे मुझे वाकई में ही गूस बम्प्स आ रहे थे, और वाकई ही मैं मेरी आईज जो वॉटरी हो रही थी. नो डाउट इमरान खान हमारी होप हैं, और अल्लाह सुभान व तआला से यही दुआ है कि इंशाल्लाह से वो वापस आए, और क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई थिंक जो कुछ हो चुका है पास्ट में, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें पाकिस्तान को स्पेशली सही रास्ते पे आने के लिए ऐसे लीडर की बहुत ज़रूरत है. और ऐसा जो लीडर होता है ना, बहुत कम ऐसा लीडर दुनिया में आता है जो वाकई ही में पूरी कौम के बारे में दर्द रखता है, पूरी कौम को उसने जगा दिया है. आई एम श्योर इमरान खान से पहले काफ़ी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा पॉलिटिक्स में, मगर उनके आने के बाद जिस तरह उन्होंने पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया है, जिस तरह अपने यूथ को उन्होंने अवेक किया है, जिस तरह उनका उनकी जो मोहब्बत है अपने दीन से, और वो जिस तरह कनेक्टेड हैं, वो आई थिंक और उनमें ये पावर है माशाल्लाह से कि वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से यू नो कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं. उनकी विजन है, नॉट जस्ट के वो एक अच्छे लीडर हैं, उनकी माशाल्लाह से बहुत दूर तक विजन है. वो पाकिस्तान को बहुत आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, और ये बहुत सैड बात है कि ये जिस तरह से उनको पावर से रिमूव किया गया. बट इंशाल्लाह हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं, और हम अल्लाह से नाउम्मीद तो हो नहीं सकते, हम कभी होप तो लूज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ही खान साहब का वो कहते हैं ना बैक बननी है, क्योंकि उनकी जो पावर है वो अवाम है पाकिस्तान की, तो हम सबको उनके साथ खड़े होना है, हम सबको उनका साथ देना है. तो इंशाल्लाह अल्लाह सुभान व तआला इंशाल्लाह उनको ज़रूर वापस हमारा लीडर बनाएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ज़रूर बनेंगे वो इंशाल्लाह. बट इट वाज क्वाइट सैड, और जिस तरह इन्होंने ये पूरी 4 मिनट्स की वीडियो को इन्होंने बनाया, माशाल्लाह से एडिट किया है. लेट मी सी ये किस चैनल ने एडिट किया, एक्चुअली चैनल का नाम तो नहीं आ रहा, मगर इट वाज एडिटेड बाय सलमान खान. सो वेल डन थी सलमान खान, आपने इतनी अच्छी वीडियो को से एडिट किया है, इतनी अच्छी उनकी जर्नी को, पूरी रूटीन चेंज जर्नी को आपने एक्सप्लेन किया है.